हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपकी विंटर ब्रेक स्टार्ट हो रही है। 9th से 16th सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे तक। सो उसमें आपने थोड़ा सा काम भी करना है। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी अभी तक काम करवाया है वो आपने रिवाइज करना है अच्छे से। सो हिंदी में आप क्या करेंगे, पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र, वो आपने याद करना है और कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखना है। इंग्लिश में एसे माई क्लासरूम लर्न विद स्पेलिंग्स, आपने वो पूरा एसे अपनी नोटबुक में भी लिखना है और लर्न करना है, और स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देंगे आप, स्पेलिंग्स लर्न करेंगे अच्छे से सारे। मैथ्स में राइट काउंटिंग इन नोटबुक फ्रॉम 501 to 1000, राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 12, प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल एंड डिवाइड सम, ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक में करना है। काउंटिंग 500 से 1000 तक आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, टेबल्स भी लर्न करेंगे 2 to 12 अपनी नोटबुक में लिख के, और जितने भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम्स हैं जो आपको करवा चुके हैं तो वो आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। साइंस में लेसन नंबर 10 वाटर फॉर अस की फुल एक्सरसाइज, आपने अपनी नोटबुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे और आंसर्स लर्न करेंगे। डिफिकल्ट जितने भी वर्ड्स हैं उसके स्पेलिंग्स लर्न करेंगे और वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखकर उसके स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। वर्ड मीनिंग्स मैं आपको भेजूंगी जो भी पेज होगा, तो उसमें से आपने इंग्लिश के भी और हिंदी के दोनों के वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। SST में लेसन 13 सेफ्टी हैबिट्स, उसकी भी फुल एक्सरसाइज आप करेंगे, उसके स्पेलिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स लर्न करेंगे और वर्ड मीनिंग्स भी। ड्राइंग में पेज नंबर 9 to 13, आपने अपनी ड्राइंग बुक का जो 9 to 13 पेज है उसमें जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आपने अपनी ड्राइंग बुक में कलर करनी है। ओके और ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं साइंस और SST के वो आपको जाएंगे, और आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं और उसको, उसके मीनिंग्स भी, सारे इंग्लिश वर्ड के मीनिंग्स लर्न करने हैं। ओके आपने विंटर ब्रेक में इंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करनी है, आपका एनुअल का कोर्स है सो आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। ओके थैंक यू।